बात करते हैं कानपुर की, जहां देहात महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, जिलाधिकारी नेहा जैन जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर जन समस्याएं सुनी। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए कि प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता और समय की शुद्धता के साथ किया जाए, शिकायतकर्ता को परेशान न किया जाए, उनकी बातों को भी सुना जाए। वही जिलाधिकारी नेहा जैन, पुलिस अधीक्षक सुनीति व मुख्य विकास अधिकारी सौम्या पांडे ने शिकायतों को सुना। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप संबंधित विभागीय कार्यालयों में समय से बैठक कर जन समस्याओं को सुने और समय सीमा के भीतर उसका निराकरण सुनिश्चित कराए। समस्याओं के निराकरण गुणवत्ता पूर्वक किए जाने चाहिए ताकि फरियादियों को बार बार ब्लॉक या तहसील या फिर जनपद मुख्यालय के चक्कर ना काटने पड़े। वही उन्होंने कहा कि निस्तारण में फर्जीवाड़ा अगर पाया गया तो निश्चित ही निस्तारण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने संपूर्ण समाधान दिवस तहसील में आई शिकायतों को गंभीरता से सुना और निस्तारण हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि सरकारी जमीनों में अगर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण की अगर शिकायत मिलती है तो संबंधित क्षेत्र के लेखापाल राजस्व निरीक्षक के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सुनीति ने समस्त थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस तहसील दिवस में पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों का निस्तारण समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता पूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए कैंप का अवलोकन किया तथा उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कैंप में आने वाले लोगों की समस्याओं को सुने और त्वरित निस्तारण करें। इसके साथ ही उन्होंने तहसील के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए बनाई गई कॉलोनी का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा है कि संचारी रोग अभियान प्रारंभ हो गया है, जिसमें सभी लोग साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि जिला संपूर्ण समाधान दिवस पर मैथा में कुल 128 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से दो शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी ने तहसील परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी मैथा, तहसीलदार, सभी संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। सभी महिलाएं, एक परीक्षण चल रहा है, अब हम सभी महिलाओं को उस पर खड़े उतरना है कि सबसे बढ़िया जिला कानपुर देहात नंबर वन में जाना चाहिए। जिस तरह से हम लोग जीत कराए नंबर वन पे, चारों विधानसभा को जीता है, इसी तरह से हम अपने वर्क में भी नंबर वन बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कानपुर देहात, जिससे उसका देहात भी हट जाए। और हमारी राज्यपाल जी कल बोली थी, महिला को प्रेरणा लेने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से खुद एक प्रेरणादायक शक्ति है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सारे लोग मिलकर बढ़िया कानपुर देहात को नंबर वन बनाए। माँ दुर्गा आदि शक्ति देवी हैं, हम सभी लोग उनके भक्त हैं, तो हम समझते हैं कि माँ दुर्गा की कृपा से कानपुर देहात नंबर वन बनेगा।